यूपी चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सियासी तू-तू मैं-मैं जारी है। हार के लिए जिम्मेदार नाकामियों पर मंथन करने से पहले विपक्षी दल एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि हार पर बहानेबाजी पूरी होगी जिम्मेदारी? अपनी नाकामी के लिए किसी समुदाय विशेष को जिम्मेदार ठहराना कितना सही है, क्योंकि मायावती को लगता है कि मुसलमानों ने उनके साथ वोट न देकर गद्दारी की है। बार यूपी में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर फिर से मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज में सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी वह भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बंटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर अंदर ट्रांसफर कर क्या दिया। बात है, जनता जनार्दन है, लेकिन मालकिन बनने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार मुसलमान हो गए। यूपी चुनाव में मुंह खाने के बाद मायावती सोशल इंजीनियरिंग भूल गई। पंडितों के साथ आने का ख्वाब पाले बैठी बीएसपी को न माया मिली न राम। मतलब जिन पर भरोसा जताया वो बीजेपी के साथ चले गए, और जिनको अपना जनाधार समझकर किनारे लगाया उन्होंने पाला बदल लिया। लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है। मतलब बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े मुस्लिम को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन सवाल है कि पंडितों पर भरोसा जताने वाली पार्टी को पंडितों से शिकायत क्यों नहीं है, जबकि सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक पंडित ठाकुर और बनिया का बीजेपी को 80% से ज्यादा वोट मिला। तो फिर हार का ठीकरा पंडितों पर क्यों नहीं फोड़ा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मायावती ने सबसे ज्यादा 70 पंडित उम्मीदवार उतारे, ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। 28 ठाकुरों को टिकट दिए, उनमें से उमा शंकर सिंह ने बलिया के रसड़ा से जीतकर विधायक बने, जबकि बनिया 11 सीटों पर उम्मीदवार थे। ये मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, मतलब जिन पर भरोसा सबसे ज्यादा था उन्होंने दगा दिया तो सवाल नहीं है, और जिनको किनारे लगाया वो दगाबाज हो गए। खेल सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए मायावती ने 122 सीटों पर यादव और मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 91 मुस्लिम बहुल सीट है और 15 यादव बहुल सीट है। इन 122 सीटों में 68 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मतलब यादव और मुस्लिम वोट कटने से समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को साथ न लेने का खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा, क्योंकि 7 सीटें ऐसी हैं जहां 200 से लेकर 1700 तक हार जीत का अंतर रहा, और इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवारों को जीतने में मदद की, क्योंकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों का वोट काटने में कामयाब रही क्योंकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों का वोट काटने में कामयाब रही जबकि 23 सीट ऐसी हैं जहां 500 वोट का अंतर हार जीत में रहा, 49 सीट ऐसी हैं जहां 1000 वोट का अंतर हार जीत में रहा, 86 सीट ऐसी हैं जहां 2000 वोट के अंतर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हारे। मतलब सीधे तौर पर देखें तो 200 से लेकर 2000 वोट के अंतर से समाजवादी पार्टी 165 सीट हार गई। तो तस्वीर बहुत साफ है कि सत्ता की लड़ाई में अखिलेश यादव की लोकप्रियता का जादू तो चला, लेकिन आपसी सियासी खींचतान ने अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता से दूर कर दिया। इसमें मायावती और ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने में खूब मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।